अबे स्टाइल नहीं मार रहा हूँ, गर्मी हो रही है, पैंट पसीना इतना ज्यादा हो रहा है ना, है ही पैंट इतनी पैंट, समझ रहे हो ना क्या मतलब। स्वागत है आप सभी का मेरे शो पर जिसका नाम है बॉलीवुड का पंचनामा। खुशी बहुत ज्यादा है, चार दिनों की छुट्टी पे था, घर गया था, मजा आ गया था, वापस ऑफिस आया और ये मजा खराब हो गया, क्योंकि जैसे आप ऑफिस में घुसते हो बॉस के चेहरे पर कोई ना कोई ऐसा भाव होता है जो आपको टेंशन दे देता है। बॉलीवुड का पंचनामा, मेरा नाम है अभिषेक, स्वागत है आप सभी का मेरे शो पर। उन पांच खबरों के बारे में बात करेंगे जिन खबरों के साथ लगने वाली है इन पांच खबरों की वाट। खबर नंबर एक, मेरी मम्मा ने आज तक मुझे दो ही आशीर्वाद दिए हैं। पहला आशीर्वाद दिया था कि बेटा दीपिका पादुकोण भवा, इतनी खूबसूरत और फेमस अदाकार हैं, वो तो मैं हो नहीं सकता, ऑब्वियसली लड़का हूँ, जैसा जैसा कैमरा पर देख रहा हूँ वैसा ही हूँ। और दूसरा दिया था कि बेटा रजनीकांत भवा, कोई स्टार हो, सुपरस्टार हो तो रजनीकांत जैसा हो, आने वाली उनकी फिल्म काला और जनाब काला का क्रेज़ देख लो आप, जैसे कबाली को लेकर क्रेज़ था ना वैसे ही फिल्म काला को लेकर क्रेज़ है। इसीलिए जैसी ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है यानी कि 7 जून को, कई कंपनियों वालों ने अपने एम्प्लॉयज़ को छुट्टी देनी शुरू कर दी है बकायदा लेटर के साथ। देखिए ज़रा ये लेटर, इसमें लिखा हुआ है कि हमें घोषित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि रजनीकांत साहब की फिल्म आ रही है काला 7 जून को, इसलिए आपकी सुविधा के लिए छुट्टी कर दी गई है, इन्जॉय कीजिए रजनीकांत के सम्मान में ये। और मैं चाहता हूँ ये वीडियो बार बार रिपीट मोड पे हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो दिखाएं हमारे बॉस को, हम भी रजनीकांत के फैन हो रहे हैं भाई, हैं। खबर नंबर दो, एक चीज़ बड़ी सोचने वाली बात है कि आप जैसे महान ट्रोलर्स नहीं होते तो हमारे पास खबरें कहाँ से आती हैं। देखो ना, ये जब से ट्विटर आया, ट्रोल शुरू हुआ, तब से खबरें कितनी सारी होने लगी। लेकिन अजीब तब लगता है जब किसी एक्ट्रेस को हम अजीब बातों के लिए ट्रोल करने लगते हैं, जैसे कि स्वरा भास्कर को इन दिनों ट्रोल किया गया फिल्म वीरे दी वेडिंग के एक सीन की वजह से। वैसे तो वीरे दी वेडिंग थिएटर पर अच्छा कमाल कर रही है, फिल्म ने अब तक 42 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर ली है, पर इसी फिल्म में एक सीन है जिसमें स्वरा भास्कर चुटकी बजा रहा हूँ मास्टरबेट करते हुए दिखाई गई हैं, जी हाँ हस्त मैथुन कर रही हैं, और इस पर ट्रोलर्स ने उन्हें घेर लिया। और एक ट्रोलर ने तो इतना कह दिया कि मैं तो अपनी दादी के साथ फिल्म देखने गया था, मैं एक भारतीय हूँ, मुझे शर्म आती है आप पे, ये वो बहुत सारी चीज़ें लिखी गई। हालांकि स्वरा के पक्ष में भी कई सारे लोग आए। जनाब कुल मिला के ये फिल्म है, फिल्म से पहले बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है, आपको कई सारे निर्देश दिए जाते हैं, इंडिया है। और सबसे बड़ी बात ये भाई साहब, मैं तो लिखा पढ़ी पर जाता नहीं हूँ, टू बी वेरी फ्रेंक, इंडियन हो, मास्टरबेशन जो ऐसा है ना, हर इंसान की एक नीड है, हर इंसान कुछ ना कुछ इस तरीके से हरकतें करता है। अब वही बात है, जब आप इसे पर्सनल लग के करते हो तो बस किसी को बताना नहीं चाहते हो, और दूसरी चीज़ें अगर खुल के इसे दिखाई जाती हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है। वो जो दिखाया गया है वो समाज का आईना है, लड़कियाँ हो, लड़के हो, मेल फीमेल मास्टरबेट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वो है जो इसे लेकर ट्रोल करते हैं और ज़बरदस्ती दिखाने की कोशिश करते हैं। आई प्राउड टू बी एन इंडियन। खबर नंबर तीन, कैमरे पर बचपन से देख कर जिसको आज तक हम बड़े हुए हैं ना, वो हमारी फेवरेट और बहुत खूबसूरत अदाकारा हैं भरिया राय, आई मीन टू से ऐश्वर्या राय बच्चन। लेकिन इन दिनों उनके लिए एक बुरी खबर आई है, वो इन दिनों फिल्म शूट कर रही हैं फन्ने खां लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं फिल्म को लेकर। अब तक अच्छी खबरें आई, ये फिल्म सलमान की रेस 3 से टक्कर भी खाने वाली थी, सलमान और ऐश्वर्या की टक्कर बड़ी मज़ेदार होती, पर फिलहाल ये चीज़ें टली हुई है। पर अभी जो हुआ है वो ये है कि ऐश्वर्या राय की फीस में कटौती हुई है। हाँ, ऐश्वर्या राय की फीस जो है फिल्म में, वो पहले प्रोड्यूसर्स ने दूसरी रखी थी। दिक्कत ये हुई है कि पहले इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही थी क्रियर्स एंटरटेनमेंट की प्रेरणा अरोड़ा, लेकिन अब एक्टर्स नहीं बल्कि फिल्म के प्रोड्यूसर बदल जाते हैं, इसीलिए प्रेरणा अरोड़ा ने इस फिल्म से अपने हाथ हटा लिए हैं। अब इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले टी सीरीज हैं और इस फिल्म के डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा हैं, और इस तरीके से प्रोड्यूसर बदले हैं। अब जब नए प्रोड्यूसर आए हैं तो उनका बजट है उनके पास टन गोपाल, तो उन्होंने कह दिया है कि भैया ऐसा है, अब ऐश्वर्या जी आपको फीस में थोड़ी सी कमी करनी पड़ेगी। ऐश्वर्या से इस बात की गुजारिश की गई है कि प्लीज़ मैडम फीस कम कर दीजिए, हमारी औकात नहीं है आपको देने की। उसके बाद अनिल कपूर और राजकुमार राव के सामने भी कुछ ऐसी गुजारिश की जाएगी। लेकिन अब जब फिल्म इतनी शूट हो चुकी है, एक दो गाने बचे हैं, मामूली से शूटिंग बची है, तो क्या ऐश्वर्या राय मानेंगी फीस कम करने के लिए? क्या होगा आगे बताएंगे हम आपको। फिलहाल खबर नंबर चार, देवी और सज्जनों, मर्द दो तरीके के होते हैं, पहले वो होते हैं जिन्हें दर्द नहीं होता, और दूसरे वो होते हैं जो अपनी ज़बरदस्ती की मर्दानगी दिखाने के लिए कमज़ोरों पर, ख़ास तौर पर महिलाओं पर हाथ उठाते हैं। एक बात बड़ी अच्छी कही जाती है कि जिनकी कहीं नहीं चलती ना, वो अपनी घर पे आकर अपनी बीवियों पर, घर की महिलाओं पर
जबरदस्ती का जोर दिखाते हैं। कुछ ऐसा ही मामला मुझे लगता है अरमान कोहली साहब का। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तो सच बोलूंगा, अरमान कोहली साहब ने अपनी गर्लफ्रेंड पर इतना बुरा बर्ताव किया, उन्हें इस तरीके से पीटा कि उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, और अब जाके उनकी गर्लफ्रेंड नीरू रंधावा ने पुलिस में केस दर्ज करवाया है। ये वही अरमान कोहली हैं जो अपने गुस्से के लिए जाने जाते हैं। गुस्सा करो जनाब, गुस्से को काबू करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन ये अक्सर कई लोगों पर हाथ उठा चुके हैं। इनकी पहले गर्लफ्रेंड रह चुकी है मुनमुन दत्ता, नहीं पहचाना? मैं बताता हूँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो बबीता जी है ना, खूबसूरत सी जेठालाल वाली, जी हाँ, उन पर भी ये हाथ उठा चुके हैं। ये उनकी पहले गर्लफ्रेंड रह चुकी है, उनसे ब्रेकअप हुआ, उसके बाद बिग बॉस में ये तनिषा के साथ भी लड़ाते नजर आए थे। अब उसके बाद जब इनकी गर्लफ्रेंड रही हैं नीरू रंधावा, तो इन पर इन्होंने हाथ उठाया है और बाल पकड़कर बुरी तरीके से पीटा है। शर्म कर लो यार थोड़ा तुम लोग। खबर नंबर 5, कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि सलमान के नए शो 10 कदम सीजन 3 का पहला एपिसोड धमाकेदार रहा? मैं तो मानता हूँ भाई, रहा है नो डाउट। रेस 3 की बात अलग है, साइड कर दो, ये बात चल रही है सलमान के 10 कदम सीजन 3 की। पहला एपिसोड ऑन एयर हो चुका है और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। सलमान ने लोगों से धरते ही सवाल पूछ लिया कि ऐसे कितने प्रतिशत भारतीय हैं जिन्हें किसी न किसी जानवर ने दौड़ाया है। सलमान को इसने खूब दौड़ाया है। इस पर सलमान से ही एक फैन ने, ऑडियंस में बैठे इंसान ने पूछ लिया कि सलमान आप बताओ कि आपको ऐसे कौन से जानवर ने खूब दौड़ाया है। सलमान ने बड़े हंसकर मस्ती भरे अंदाज में कहा कि भाई आज तक दौड़ ही रहा हूँ, वो दौड़ना खत्म नहीं हुआ। और ये बात कहाँ जुड़ जाती है आप सब जानते हैं, काला हिरण शिकार मामले से जुड़ जाती है, पर सलमान ने इसको भी मस्ती भरे अंदाज में टाल दिया है। काला हिरण शिकार मामला, सलमान भाई दौड़ रहे हो लेकिन रेस 3 में जिस तरीके से दौड़ रहे हो सही नहीं कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा है। पर ये 10 कदम सीजन 3 का जो पहला एपिसोड है, ये देखने के बाद एक बार फिर से सलमान पे थोड़ा सा प्यार आ रहा है। भाई जान आई लव यू सो मच। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ये 5 खबरें थी। एक काम करो, कमेंट में जाओ, जिनको गालियां देनी है गालियां दो, जिनको सजेशन देने हैं सजेशन दो, जिनको कुछ और देना है वो और दो, खाता नंबर मैं दूंगा नहीं। फिलहाल के लिए टाटा अलविदा, बाय बाय, अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, गर्मी बहुत ज़्यादा है, जैसा पहली बार कहा था, पानी पीते रहो।